अंदर हम सक्सेसफुल हो सकेंगे, अच्छे तरीके से हम आगे लेके जा सकेंगे इस बिजनेस को, और अच्छे तरीके से हम अपने साथ लोगों को लेके जा सकते हैं। क्योंकि जब आप फार्मूला ही गलत लगाएंगे, जब आपका जो बेसिक मॉडल है, जब आप बेसिक फार्मूला ही गलत लगाएंगे तो कभी भी आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। मैं ये समझता हूं कि जो हमारा बेसिक मॉडल था वो गलत था। जो बेसिक मॉडल बिजनेस का आपको समझ में आया वो गलत था। अगर वो बेसिक मॉडल सही समझ आ जाता तो शायद आप सक्सेसफुल हो जाते। आज आपने ये देखना है कि वो बेसिक मॉडल आखिर क्या है था? वो बेसिक मॉडल गलत कहां हो रहा था? होता क्या है बेसिक मॉडल में? सबसे पहले बात क्या होता है, पहले जब कोई शख्स बिजनेस को देखता है तो उसके जहन में क्या आता है कि जी बिजनेस को ज्वाइन करना है। ओके, जब बिजनेस को ज्वाइन, अब फिर क्या होता है, फिर दूसरा टारगेट क्या होता है कि जी मैंने ये बिजनेस क्या करना है, लोगों को दिखाना है। पहला स्टेप क्या है कि मैंने बिजनेस को ज्वाइन करना है, दूसरा स्टेप क्या होता है मैंने लोगों को ज्वाइन करना, तीसरा उसके जहन में क्या आता है कि मैंने और लोगों को अपने साथ जोड़ना है और फिर उनको अपने साथ मिलाना है, और चौथा स्टेप क्या आ जाता है कि जी मैंने बहुत सारी पैसे कमाने हैं। ये चार स्टेप जो है ये बेसिक मॉडल है। ये जब पहली दफा आप जुड़े थे तो जब भी कोई बंदा नया ये बिजनेस देखता तो उसको क्या समझ आते हैं, उसको उसको यही, जब भी कोई नया बंदा आता है तो उसको सबसे पहले क्या समझ आता है, उसको ये चार स्टेप समझ आते हैं। ओके जी, पहले बिजनेस को जुड़ना है, फिर मैंने नए लोगों को प्लान दिखाना है, और फिर उनको साथ जोड़ना है, और उसके बाद बहुत सारे पैसे कमाने। ये चार बातें समझ आती हैं किसी भी नए बंदे को, ये चार बातें किसी भी नए बंदे को समझ आती हैं। यकीनन जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा तो आपके जहन में भी पहली समझ, पहली यही चार बातें समझ में आई होंगी। बट प्रॉब्लम क्या है यहां पर, ये चार बातें तो एकदम समझ आ जाती हैं। ओके जी, ज्वाइन करो बिजनेस, लोगों को साथ जोड़ो, और उसके बाद फिर उन सौ लोगों को बताओ, उनको साथ जोड़ो, और उसके बाद बहुत सारे पैसे कमाओ। ये चार स्टेप नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि यही वो चार स्टेप हैं जो इस बिजनेस का हिस्सा है, और यही इन्हीं चार स्टेप्स के ऊपर लोग बिजनेस आगे बना रहे होते हैं, और यही चार स्टेप आपको शुरू में समझ आते हैं। ठीक है, क्यों कि आओ लोगों को जोड़ो, और फिर उनको वो जो लोग आए उनको जोड़ो, और फिर बहुत सारे पैसे कमाओ। ये जो चार मॉडल है बिजनेस के, इनको अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये जो चार मॉडल थे बिजनेस के, ये चार मॉडल इस बिजनेस में हैं, इस बिजनेस का हिस्सा हैं, लेकिन ये चार मॉडल इस बिजनेस में भी हैं, लेकिन ये चार मॉडल इस बिजनेस में ही नहीं है। ये चार स्टेप इस बिजनेस में भी हैं, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये चार स्टेप इस बिजनेस में ही नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये चार स्टेप भी हैं, लेकिन ये चार स्टेप ही नहीं है, ये याद रखिएगा। ये जो बेसिक मॉडल, जो बेसिक फार्मूला था, उसमें ये गलती थी। आज आपको जो समझ आई, जो बेसिक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो पहली, अगर ये जो बेसिक मॉडल था, मैंने ये महसूस किया कि इस बेसिक मॉडल में गलती थी। ये चार स्टेप इस बिजनेस में भी हैं, लेकिन ये चार स्टेप इस बिजनेस में ही नहीं है, इसके अंदर कुछ और भी है। मैं आज आपको जो मॉडल बताने जा रहा हूं, मैं पूरे दावे से ये कह सकता हूं कि अगर आप उस मॉडल को फॉलो करेंगे और अगर आपको वो मॉडल समझ आ जाता है तो आपको, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स, वंडरफुल रिस्पॉन्स। सो हम बात कर रहे थे कि ये जो फोर स्टेप मैंने आपको बताए, इस कि ज्वाइन द बिजनेस, किसी को ज्वाइन करवाना है और फिर उन लोगों को साथ अपने साथ ज्वाइन करवाना है और फिर बहुत सारे पैसे कमाने हैं, उनको उनको प्लान दिखाना और बहुत सारे पैसे कमाने हैं, ये चार स्टेप इस बिजनेस में भी हैं, बट ये चार स्टेप इस बिजनेस में ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और स्टेप भी हैं। हम आप सबसे पहला स्टेप जो जानना बहुत जरूरी है, और जो अगर पता चल जाए तो मैं ये समझता हूँ आपका बिजनेस बहुत आसान हो सकता है, और वो जो पहला स्टेप है वो है इस बिजनेस के अंदर, नाउ अंडरस्टैंड एंड ट्रूथ अबाउट द बिजनेस। ये बड़ी एक अहम चीज है कि उसको पता होना चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ट्रूथ अबाउट द बिजनेस, बिजनेस की ट्रूथ के हवाले से। सबसे पहले जो सबसे अहम चीज है इसके अंदर, कि उसको ये पता हो कि ये बिजनेस मॉडल क्या है। सबसे पहले नाउ अंडरस्टैंड एंड ट्रूथ अबाउट द बिजनेस। जब पहले कोई भी बंदा देखता है वो ज्वाइन द बिजनेस नहीं है, उसको ये वाला पता होना चाहिए, नाउ अंडरस्टैंड एंड ट्रूथ अबाउट द बिजनेस। आई एम सॉरी, दरमियान में कुछ प्रॉब्लम आ गया था नेटवर्क कनेक्शन का, अगेन हम उस रिदम को वापस आएंगे। सबसे पहले क्या चीज जरूरत है,
ज्वाइन द बिजनेस नहीं है, नाउ अंडरस्टैंड अ ट्रूथ अबाउट द बिजनेस। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए उसे, लियो, कि लियो 6 साल पुराना कंपनी है, लियो, दूसरी बात लियो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, तीसरी बात उसे ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग का काम है, तीसरी बात उसे ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में दरमियान में मिडल मैन नहीं होता और जो दरमियान में जो पैसे बचते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये उसे पता होना चाहिए। ये बीच का कास्ट इसमें जो है दरमियान वाला जो कास्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये उसे पता होना चाहिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग का कंपनी है, इसके अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग है वो सीधा सीधा बिजनेस है। ये बातें सबसे पहले उसको पता होनी चाहिए। ये 6 साल पुराना कंपनी है, इस कंपनी के ऑफिस कहां है, इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां है, इस कंपनी को के हर जो है लोग जो है कितने लोग इस कंपनी में सक्सेसफुल हो चुके हैं, ठीक है ना, इस कंपनी के सेमिनार कब कब होते हैं, इस कंपनी का प्रोग्राम कैसे होते हैं, इस कंपनी के जब जब अपने प्रोस्पेक्ट को लेके आएगा तो उसको ट्रेनिंग मिलेगी, उसको हेल्प मिलेगी, उसको उसको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगी। इस कंपनी के अंदर अगर कोई भी शख्स आपके साथ आता है तो उसने सक्सेस ली है, पिछले 5 साल के अंदर इतनी लोगों ने सक्सेस ली है, लोगों ने यहां पर ये अचीवमेंट ली है, ये उसको पता होना चाहिए, ये उसे पता होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि जब मैं बंदा कोई लेके आऊं तो मेरी टीम मेरी सपोर्ट करेगी। ये उसे पता होना चाहिए कि जब कोई बंदा वो लेके आएगा तो उसे क्या होगा, उसका बिजनेस बिल्डअप होना चाहिए। याद रखिए, ज्वाइनिंग से पहले क्या होना चाहिए उसको, ये सारा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए उसे, कंपनी के हवाले से पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, उसको पता होना चाहिए कोई इन्वेस्टमेंट मॉडल नहीं है, उसे पता होना चाहिए यहां पर जो मिडल मैन से पैसे बचते हैं वो यहां पर इन शेप ऑफ कमीशन मिलते हैं, उसे ये पता होना चाहिए कि कंपनी 6 साल पुरानी है, उसे ये पता होना चाहिए कि इस कंपनी के अंदर आज तक किसी ने जो भी काम किया उसका कमीशन नहीं रुका, वो उसको मिला है, ये सब उसको पता होना चाहिए ज्वाइनिंग से पहले। तो पहला स्टेप क्या है, ज्वाइन द बिजनेस नहीं है, पहला स्टेप यह नाउ द नाउ एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस, अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट द बिजनेस। अगर उसे ये पता होगा कि यहां पर सपोर्ट मिलती है, उसे ये पता होगा कि यहां पर सीनियर उसके साथ हेल्प करते हैं, उसे ये पता होगा कि वो इस बिजनेस में अकेला नहीं है, यहां पर मिलकर उसके साथ बिजनेस किया जाएगा, याद रखिए। लेकिन ये बताएगा कौन, ऑफ कोर्स आपने बताना है। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली हमारा पहला स्टेप क्या होता है, कोई तरीका बन जाए ये बंदा ज्वाइन कर जाए। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, कोई तरीका बने बंदा ज्वाइन कर जाए हमारे साथ। ज्वाइन द बिजनेस पहला स्टेप नहीं है, पहला स्टेप याद रखिए, आज से अपना पहला स्टेप चेंज कर लें, अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट द बिजनेस, नाउ अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट द बिजनेस। उसे बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, उसे इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसे ये पता होना चाहिए कि कंपनी की सच्चाई क्या, हकीकत क्या है, इसके चेक कभी डिसऑनर नहीं हुए, सपोर्ट और ट्रेनिंग सिस्टम आपके पास क्या है, ये उसको पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि जब वो आएगा तो आप उसको हेल्प आउट करेंगे, आप उसको सपोर्ट करेंगे, आप उसकी मदद करेंगे। उसको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यहां पर जब मैं आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मुझे किस तरह बिजनेस होगा, मुझे अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है, इन्वाइट करना है, फॉलो अप करना है, ट्रेनिंग में लेके लोगों को आना है। उसे ये पता होना चाहिए कि हर वेनसडे को यहां पर एक ट्रेनिंग सेशन होता है जो लाइव में सुन सकता हूं, जिसमें लाइव में अपने लोगों को बिठा सकता हूं और बिजनेस को बिल्डअप करना कर सकता हूं, ये उसको पता होना चाहिए। अगर ये उसको पता होगा तो वो क्या करेगा, वो ये बिजनेस आपके साथ, उसे ये पता होना चाहिए, उसे इस बात की सच्चाई का ये पता होना चाहिए कि यहां पर वर्किंग आवर्स के मल्टीप्लाई करने से मेरा बिजनेस बड़ा होगा। जब उसको ये पता होगा, ये अंडरस्टैंड, याद रखिए ये बड़ा पॉइंट है, नाउ अंडरस्टैंड एंड ट्रूथ अबाउट द बिजनेस। हमारा पहला स्टेप क्या होता है, ज्वाइन द बिजनेस। तो आज से आपने पहला स्टेप चेंज कर लेना है, क्योंकि अगर आपका बेसिक मॉडल ठीक हो जाएगा तो मैं ये समझता हूं ये बिजनेस आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। क्यों ज्वाइनिंग नहीं हो पाती नॉर्मली, कि हम सीधा उसको इस बात पे लेके आते हैं कि आपने ज्वाइन करना है ये बिजनेस। आपने ज्वाइन करना नहीं, सबसे पहला स्टेप आपने ये बताना है उसको कि ये बिजनेस तुम्हारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, ये बिजनेस तुम्हें कितना सपोर्टिव हो सकता है, इस बिजनेस के अंदर तुम किस तरह से अपने टारगेट अचीव कर सकते हो, इस बिजनेस के अंदर किस तरह से तुम अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हो, इस बिजनेस के अंदर कितने सारे लोगों ने लाइफ चेंज की है और इस बिजनेस की सच्चाई और हकीकत क्या है, किस तरह से इस कंपनी में लोगों ने लाइफ चेंज की है। और उसे ये पता होना चाहिए कि कोई शॉर्ट टर्म कंपनी नहीं है, ये उस तरह की कंपनी नहीं है कि जहां पर लोग रातों रात अमीर हो जाएंगे, लेकिन ये उस तरह की कंपनी है कि यहां पर अगर लोग काम करेंगे तो वो यकीनन यहां कामयाब हो सकते हैं। याद रखिए, दुनिया में 20% सेलमैन को ये बात समझ आ चुकी है
ये 20% सेलमैन को ये बात समझ आ चुकी है कि दुनिया का ये वाइब बिजनेस है जो सबसे बड़ा प्रोफेशन है, ये सबसे बड़ा प्रोफेशन है, इसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसमें 20% सेल्समैन को इस बात का इलम है, इलम है, 20% लोगों को, सेल्समैन को इस बात का इलम है कि आज तक जितनी भी बड़ी बड़ी बड़े बड़े प्रोफेशन से ज्यादा अर्निंग इस प्रोफेशन के अंदर हो सकती है, ये इस बात का पता है। क्या वजह है कि जो लोग 2 माह पहले 6 माह पहले आपके साथ थे आज नहीं है? रीजंस क्या है कि उनको हमने वो पहला स्टेप नहीं समझाया। नाउ अंडरस्टैंड एंड ट्रूथ अबाउट द बिजनेस, ये बड़ा अहम चीज है। जब आप ये सारी बातें, जब आप सारी चीजें किसी भी साहब को समझाएंगे, जब आप, जब उनको पता होगा कि मुझे क्या करना है इस बिजनेस के अंदर, और उनको उसके हकायक का पता होगा, उनको ट्रूथ का पता होगा, तो फिर वो आपके साथ बड़ा बिजनेस करेंगे। तो आज से अपना आपने, और याद रखिए, जब उसको ये बातें समझ आएंगी तो आपके ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ जाएगी। नॉर्मली आप कहते हैं हमने बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन की, बहुत सारे लोगों को जाके बताया बिजनेस के बारे में, लेकिन हमारे साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा। तो ना ज्वाइन करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह होती है कि हम उस उन साहब को बेसिकली वो चीज दिखाने में नाकाम रहते हैं, वो चीज बताने में नाकाम रहते हैं जो बुनियादी कंफ्यूजन, जो बुनियादी मसला है। और बुनियादी मसला क्या था कि हम पहले ही शुरू ही कोशिश ये करते हैं कि बंदा हमारे साथ क्या करे, ज्वाइन कर जाए। तो ज्वाइन द पर्सन पहला स्टेप नहीं है, ज्वाइन द बिजनेस पहला स्टेप नहीं है, नाउ अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट द बिजनेस ये पहला स्टेप है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपके पास जितनी भी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है, जितनी भी उस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है, सबसे पहले आपने उसको वो समझानी है कि इस कंपनी की वर्थ क्या है, आपको यहां क्या क्या सपोर्ट मिल सकती है, आप यहां कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये बिजनेस मॉडल क्या है, हमारे यहां ट्रेनिंग सपोर्ट क्या है, हमारे यहां किस तरह से हम ये वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट मॉडल नहीं है, यहां पर आपको श्योरली सक्सेस मिल सकती है, ये चीजें आपने सामने वाले को पहले समझानी। आप जब यहां पर आते हो तो आपको बेसिक कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनानी है, इन्विटेशन कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ये अंडरस्टैंडिंग उसको देनी है। तो ज्वाइन द बिजनेस पहला स्टेप नहीं है, पहला स्टेप क्या हो गया, नाउ अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट द बिजनेस, ये चीजें आपने अपने कस्टमर को, अपने सामने वाले को समझानी है। और मैं ये पूरे दावे से कहता हूं कि जिस दिन आपने ये बातें उसको समझा दी, उसके बाद आपके बिजनेस की सिचुएशन ही चेंज हो जाएगी, उसके बाद आपके बिजनेस की जो ज्वाइनिंग रेशियो है वो टोटली चेंज हो जाएगी, और आपको ज्यादा इसके अंदर ज्यादा सक्सेस मिलेगी। आपने ये सारी बातें उसको पहले दिन बतानी है, ये अंडरस्टैंड नाउ होना चाहिए, और उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसको ये समझना चाहिए कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हूं, इस बिजनेस के अंदर मुझे काम करना पड़ेगा। ये बातें उसको 100% पता होनी चाहिए कि जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस में है, उसे लिस्ट बनाना है, उसे इनवाइट करना है, उसे प्रेजेंटेशन करना है, उसे फॉलो अप करनी है, उसे ट्रेनिंग करनी है, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसको, और उस कंपनी की सच्चाई के बारे में उसको पता होना चाहिए। याद रखिए, दुनिया के अंदर बेताशा प्रोफेशन मौजूद है, बेताशा प्रोफेशन मौजूद है कि दुनिया के अंदर, मैंने आपको बोला ना कि बेताशा प्रोफेशन मौजूद है जिनके अंदर बड़ी बड़ी सक्सेस मौजूद है, लेकिन 20% सेल्समैन ने इस बात को फॉलो किया कि ये दुनिया का वाइब प्रोफेशन है जिसके अंदर बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है, जिसके अंदर बहुत बड़ी सक्सेस मौजूद है, जिसके अंदर एक सक्सेस का रेशियो मौजूद है। ठीक है, आज मैं आपको वो शो भी करूंगा, आज मैं आपको बताऊंगा। अगर उस बंदे को ये पता हो सिर्फ सच्चाई का कि इस बिजनेस के अंदर मैं 2 साल लगाऊंगा, 3 साल लगाऊंगा, तब जाके मैं दुनिया के किसी भी बड़े प्रोफेशन से ज्यादा पैसे यहां से अर्न कर लूंगा, अपनी लाइफ चेंज कर लूंगा, तो यकीन करें उसके बाद आपकी रेशो बढ़ जाएगी और उसके बाद आपको काम भी बढ़ जाएगा। ये सारी बातें आपने पहले समझाना है उसको कि ये कंपनी की सच्चाई क्या है, इस कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, इस कंपनी ने क्या वाकई लोगों को डिलीवर किया है या नहीं किया है, ये उस कंपनी की सच्चाई है। जब ये बातें आप किसी को समझाएंगे, जब ये बातें आप किसी को अंडरस्टैंड करवाएंगे, जब ये बातें आप किसी को प्रॉपर समझाएंगे, तो ये होगा नाउ अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट द बिजनेस। तो अब पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप जब आपने क्या किया है, पहला स्टेप देना है, आपने क्या करना है, आपने उसे इंफॉर्मेशन देनी है। क्या मसला है, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो आप डिसीजन करेंगे। ये जब आप उसे इंफॉर्मेशन देंगे तो क्या होगा, उसका वो जो जीबी है, वो जो फ्लैश लेके वो आया था, उसको आपने फिल करके भेजना है, वरना उसके दिमाग में क्या रह जाएगा, सिर्फ डाटा रह जाएगा कि 2 बंदे बनाने तो मुझे पैसे आएंगे। अब ये 2 बंदे बनाने वाला बिजनेस नहीं रह जाना, जब उसके पास की इंफॉर्मेशन आएंगी,
तो उसका क्या होगा, उसका वो डाटा जो है, वो जो इंफॉर्मेशन है फिल होंगी, उसकी बेस के ऊपर वो क्या करेगा, डिसीजन करेगा। अब ये जब यहां पर बात हुई यहां पर भाई, तो फिर अगला स्टेप क्या बनेगा, जब यहां तक ये बात समझ आ गई, पहला स्टेप क्या, नाउ अंडरस्टैंड ट्रूथ अबाउट द बिजनेस। सेकंड स्टेप क्या आएगा यहां पर, और वो ये है, डिसाइड इफ यू आर कमिटेड टू वर्क फॉर 3 years। दूसरा स्टेप जो है, पहला स्टेप क्या, नाउ अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट द बिजनेस। मैंने उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको बताई कि क्या क्या चीजें आपने उसको बतानी है। उसको डाटा नहीं होना चाहिए, उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। खाली डाटा होगा कि दो बंदे लगाने हैं तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा बड़ा। आपने उसका वो डाटा फिल करके भेजना है, वो फ्लैश ड्राइव फिल करके भेजनी है। दूसरा स्टेप क्या है, डिसाइड इफ यू आर कमिटेड टू वर्क फॉर 3 years। याद रखिए, मुझे एक बात बताइए, अगर एक डॉक्टर एमबीबीएस करता है तो उसको कितने साल चाहिए, 5 से 6 साल चाहिए। याद रखिए, उस 5 से 6 साल के बाद क्या करता है, 5-6 साल में वो क्या करता है, वो अपनी शादियां बहुत सारी छोड़ देता है, पूरे घर वाले कहते हैं तुम कुछ ना करो, सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस करो, पढ़ाई करो, स्टडी करो, तुमने सिर्फ स्टडी करना है, तुमने सिर्फ पढ़ना है और तुमने एमबीबीएस करना है। उसका तमाम तर ध्यान, तमाम तर फोकस कहां होता है, अपने सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस करने का। कितने साल करने के लिए, 5 से 6 साल लगते हैं उसको। उसके बाद क्या मिलता है उसे, आपको ट्यूशन लगाएगा, पढ़ेगा, स्टडी करेगा, दिन रात एक करेगा, कोई और काम नहीं करेगा, घर वाले, फैमिली वाले, कुंबे वाले, वो लाखों रुपया उसकी फीस भी पे करेगा। किसी वो लोगों की शादियों में नहीं जाता, वो बहुत सारे अपने सोशल काम छोड़ देता है, सिर्फ अपने फोकस कहाँ रखता है, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, अपनी स्टडी के ऊपर। पूरी फैमिली उसे कहती है कि तुमने कहीं नहीं जाना भाई, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली पे, अपने जो जो पढ़ाई है इस पर तवज्जो दो, ताकि यहां से तुम पढ़कर एमबीबीएस कर सको। तो अपनी पूरी तवज्जो वो कहां देता है, उस एमबीबीएस के ऊपर देता है। तो होता क्या है, उसके बाद वो एमबीबीएस उसका कंप्लीट होता है। अब एमबीबीएस, देखें हम किसी प्रोफेशन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर पेश करूं कि जहां फाइनेंशियल मैटर्स की बात हो रही है, कि आपने कैसे लाइफ के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है। तो होता क्या है, तो 5 से 6 साल वो मुसलसल लगाता है, और उसके बाद मुकम्मल फोकस के साथ लगाता है, और फिर जाके वो एमबीबीएस करता है, या वो सीए करता है तो कितना साल लगाता है, उसके बाद वो 100% फोकस करता है। होता क्या है, याद रखिए, ये एक जबरदस्त काम है, अगर वो 3 साल इस बिजनेस को डेडिकेट करके लगाता है, डेडिकेशन से लगाता है 3 साल इस बिजनेस के अंदर। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जिंदगी की किसी भी स्टेज पे लगाता है, चाहे वो 17 से 20 साल है उसके, चाहे वो 30 से 33 साल है, 28 से 31 साल है, 40 से 43 साल है, 45 से 50 साल है, 50 से 55 साल है, कोई से भी 3 साल जिंदगी के लगाता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो सबसे पहले उसको ये बताना है कि अगर तुम इस बिजनेस के अंदर कामयाबी लेना चाहते हो और सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो तुम्हें अपने 3 साल इस बिजनेस को देने पड़ेंगे पूरी डेडिकेशन के साथ। जबकि किसी दूसरे प्रोफेशन में अगर आपकी उम्र गुजर गई तो आप उसके अंदर दोबारा इन नहीं हो सकते। नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफेशन वो एक प्रोफेशन है कि जिंदगी के कोई से भी 3 साल आपने इस बिजनेस को दे दिए तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाती है। आप किसी भी बड़े से बड़े प्रोफेशन से ज्यादा अर्निंग यहां से कर रहे होते हैं। ये इस बिजनेस की खूबसूरती है, ये इस बिजनेस का असल मॉडल है। अगर आपने ये बात दूसरे को समझा दी, सामने वाले को समझा दी कि आपने सिर्फ 3 साल इस बिजनेस के अंदर फुल डेडिकेशन, डेडिकेट होकर लगाने हैं, तो याद रखो तुम किसी भी प्रोफेशन से ज्यादा पैसा यहां पर अर्न कर लोगे। क्यों, 3 साल लोग नहीं लगाते। लोग यहां पर ये समझते हैं रातों रात क्या अमीर हो जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर आपको 3 साल अपने इन्वेस्ट करने हैं। अगर आप जैसे आपने एमबीबीएस के लिए या सीए करने के लिए अपना टाइम लगाया, ऐसे ही यहां पर आपको आपको अपना पूरा पूरा पूरे का पूरा जोश यहां लगाना है, पूरी पूरी एनर्जी यहां लगानी है, फुल फोकस होकर एनर्जी लगानी है। तो याद रखिए, किसी भी प्रोफेशन से बहुत ज्यादा अर्निंग यहां पर कमा लेंगे। और इसकी खूबसूरती क्या है कि जिंदगी के कोई से भी 3 साल लगा दें, किसी भी हिस्से में लगा सकते हैं आप। डिपेंड करता है कि आप कितने कमिटेड हैं अपने इस बिजनेस के साथ। जबकि किसी और प्रोफेशन में आपके पास ये चांस नहीं होता, एक दफा आपका टाइम गुजर गया आप दोबारा उसके अंदर इन नहीं हो सकते। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की खूबसूरती है। बहुत सारे लोग जो आपके इर्द गिर्द बैठे हैं, जो किसी बड़े प्रोफेशन में नहीं जा सकते, उन सब के कुछ ना कुछ तो करना है अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है उनके लिए, ये सबसे बेस्ट बिजनेस है उनके लिए। किसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, किसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। आप जिस बैकग्राउंड से भी मर्जी ताल्लुक रखते हैं, आप यहां पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब जब स्टेप आता है, तीसरा स्टेप आता है, ज्वाइन द बिजनेस। पहला स्टेप क्या हुआ, नाउ अंडरस्टैंड ट्रूथ अबाउट द बिजनेस। तीसरा दूसरा स्टेप क्या था, इफ यू आर कमिटेड फॉर 3 years, आपने उसे पूछा कि 3 साल के लिए कमिटेड हो, then दबाओ, ये बात आपने समझानी है कि तुम्हें फायदा क्या हो सकता है 3 साल की कमिटमेंट का। नाउ तीसरा स्टेप आता है, ज्वाइन द बिजनेस। ज्वाइन द बिजनेस के अंदर जो सबसे पहले पहली चीज है कि याद रखिए, ज्वाइनिंग करने के बिजनेस का फैसला अधिकार
इसके फैसला आपके पास होना चाहिए, उसके पास नहीं। आपने ये फैसला करना है कि ये बंदा आपके बिजनेस के लिए बेहतर है या नहीं है। नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, नॉर्मली हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि हम उस बंदे के पीछे जा रहे होते हैं कि नहीं आप ज्वाइन कर दें, खुदा के लिए आप ज्वाइन कर दें। नहीं, ये आपने डिसीजन करना है कि आया ये बंदा 3 साल के लिए कमिटेड है या नहीं है, इसको इन्फॉर्मेशन समझ आई या नहीं आई है, इसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल समझ आया है या नहीं आया है। तब जाके याद रखिए, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि 5 घोड़े बेहतर हैं 100 गधों से। तो आपको यहां पर आपने डिसाइड करना है, यहां पर आपने डिसीजन करना है कि आया वो बंद वो साहब आपके इस बिजनेस के लिए बेहतर हैं या नहीं है, आया वो साहब आपके इस बिजनेस के लिए कमिटमेंट, इस बिजनेस को आगे रन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये फैसला आपके पास होना चाहिए कि आपने उन साहब को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाना है या नहीं करवाना। नॉर्मली हम तो दूसरे साहब के रहमो करम पे पड़ रहे होते हैं कि नहीं जी प्लीज ज्वाइन कर ले। नो, ये फैसला आपने करना है। आपने उन्हें सारी चीजें अंडरस्टैंड ट्रूथ अबाउट द बिजनेस समझाने के बाद, अगर वो कमिटेड है 3 साल अपने अपनी लाइफ के यहां देने के, नो मैटर उनकी जिंदगी के कौन से 3 साल, 3 साल है, वो जिस ऐसे में भी स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो अभी 21 साल के हैं तो अगले 3 साल में अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, अगर 25 साल के तो अगले नेक्स्ट 3 साल में अपनी लाइफ चेंज। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आया वो आपके इस बिजनेस के लिए बेटर हैं या नहीं है। ये फैसला उनके पास नहीं होना चाहिए, ये फैसला आपके पास होना चाहिए कि आपने उनको बिजनेस में लाना है या नहीं लाना है। अब आता है ज्वाइन द बिजनेस। अब जब ज्वाइन द बिजनेस की बात हुई, देन आपने लर्न टू शो द शो योर प्लान। अब आपने उसको अपना प्लान दिखाना है, उसे पूरा प्लान आपने समझाना है कि ये मेरे पास बिजनेस प्लान है और इस बिजनेस प्लान के साथ आप किस तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं। और उसके बाद ऑलवेज टेल द ट्रुथ, याद रखिए सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बताएं, कभी भी झूठ ना बोलें, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। याद रखिए बिजनेस बड़ा सिंपल है, ये 2 लोगों का बिजनेस है। अगर आपने प्रॉपर 2 लोगों को सही प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दे दी, उनको बिजनेस के बारे में नाउ हाउ बता दिया, तो याद रखिए ये बिजनेस बहुत तेजी से होगा और आपकी जो ज्वाइनिंग रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाएगी। नॉर्मली जो बेसिक मॉडल था उसके अंदर एक बहुत बड़ा फला था, और फला ये था, हमने ये 4 मॉडल बना लिए थे कि सिर्फ ज्वाइन करें बिजनेस, उसको प्लान बताएंगे, वो भी आगे यही करेगा और उसके बाद बहुत सारे पैसे कमाएंगे। लेकिन आज मैंने आपको थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश की है कि अगर आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, आपको ये समझ आ जाए कि इस बिजनेस को कैसे करना है और वो डायरेक्शन क्या है, और डायरेक्शन ये है कि आपने इस बिजनेस को ये समझना है, सबसे पहले नाउ अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट द बिजनेस। दूसरी बात, अगर आप कमिटेड हैं 3 साल के लिए, 3 साल इस बिजनेस को करने के लिए, देन कम एंड ज्वाइन विद अस। फिर उसके बाद ज्वाइन द बिजनेस, और ज्वाइन द बिजनेस भी ये वाला जो इख्तियार है ये आपके पास होना चाहिए, उसके पास नहीं होना चाहिए। आपने ये डिसाइड करना है कि जो साहब हैं इनको आप बिजनेस में लेके आना चाह रहे हैं या नहीं लाना चाह रहे हैं, इनको इस बिजनेस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये अधिकार आपके पास होना चाहिए, ये फैसला आपके पास होना चाहिए, ये उसके पास नहीं होना चाहिए। ये याद रखिए, अगर ये फैसला उसके पास है तो इसका मतलब है आप अभी अपने बिजनेस मॉडल को सही तरीके से नहीं समझ रहे और सही तरीके से नहीं कर पा रहे। ये बहुत जरूरी और बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, इस बात को समझना इंतहाई जरूरी है। फिर आपने उसको प्लान बताना है, बिजनेस प्लान क्या है, एंड देन ऑलवेज याद रखिए हमेशा सिर्फ ट्रुथ पे बात करें, सच्चाई पे बात करें, कि जितना आप सच्चाई पे बात करेंगे उतना आपका बिजनेस ही आगे बढ़ेगा, उतना लोग आपके साथ कमिटेड होते जाएंगे, उतना लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। इसके साथ कुछ रिकग्निशन है आज मेरे पास। कुछ दोस्तों ने लास्ट 2 वीक्स बहुत आउटस्टैंडिंग रहे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने सक्सेस ली और बहुत सारे दोस्तों ने रैंक अचीव किए। कुछ दोस्तों का मेरे पास डाटा आया था, उनका मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी दोस्त का डाटा मिस होगा तो काइंडली नेक्स्ट वेबिनार के लिए मुझे सेंड कर दीजिएगा। एक हमारे दोस्त हैं अकील अहमद साहब, ये एसोसिएट रैंक उन्होंने अचीव किया लास्ट वीक में। कंग्रेचुलेशन अतीक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक और दोस्त हैं हमें मजर अफजल खान साहब, ये एसोसिएट हुए। मजर साहब बहुत बहुत मुबारक हो, आपने एसोसिएट का रैंक अचीव किया। यकीनन ये आपकी पहली सक्सेस है, पहला स्टेप है अपनी एक बड़ी सक्सेस, बड़ी कामयाबी के लिए। उसके बाद अहमद महमूद साहब हैं, ये भी यहां से एसोसिएट रैंक इन्होंने अचीव किया। वेरी वेल डन अहमद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद हमारे साथ एक और दोस्त हैं फहद फिदा गुल, ये एसोसिएट रैंक इन्होंने अचीव किया लास्ट वीक में, और बहुत बहुत मुबारक हो फहद फिदा गुल, आपने एसोसिएट का रैंक अचीव किया, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। जावेद खान साहब हैं, सीनियर एसोसिएट हुए, इनको बहुत बहुत मुबारक हो, और यकीनन इन्होंने आईफोन अवार्ड भी विन किया, कंग्रेचुलेशन जावेद खान। उसके बाद फिर फहद फिदा गुल, ये सीनियर एसोसिएट हुए दुबई रीजन से, अगेन इनको बहुत बहुत मुबारक हो। और उसके साथ साथ आगे हमारे पास गुलाम फरीदुद्दीन,
सीनियर एसोसिएट हुए दुबई रीजन से, अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन। उसके साथ साथ हमारे पास मोहम्मद इल्माज, ये सीनियर एसोसिएट हुए दुबई रीजन से, वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन। हामिद अली साहब कोऑर्डिनेटर हुए दुबई रीजन से लास्ट वीक के अंदर, बहुत बहुत मुबारक हो हामिद, आपने कोऑर्डिनेटर का रैंक अचीव किया, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। उसके बाद अजीजुर रहमान साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, ये कोऑर्डिनेटर हुए लास्ट वीक में, बहुत बहुत मुबारक हो अजीजुर रहमान, वंस अगेन कंग्रेचुलेशन। और उसके बाद मोहम्मद इशफाक साहब हैं, ये भी कोऑर्डिनेटर हुए दुबई रीजन में पाकिस्तान से, अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक हो मोहम्मद इशफाक साहब, आपने ये कोऑर्डिनेटर का रैंक अचीव किया। आप सब दोस्तों ने जैसा कि आज की ट्रेनिंग में आपने बहुत सारी चीज़ें, मैंने कोशिश की कि आपकी जो बेसिक डायरेक्शन है उसको ठीक किया जाए, और बेसिक डायरेक्शन अगर आपकी ठीक हो जाएगी तो आप इसके अंदर एक बहुत बड़ी सक्सेस ले सकेंगे। उस बेसिक डायरेक्शन के अंदर जो सबसे बड़ा मसला था वो ये मसला क्या था कि हम थोड़ा सा उसका जो बेसिक मॉडल है उसको हम प्रॉपरली कर नहीं रहे थे। अगर हम बेसिक मॉडल चेंज कर लें और हमें ये समझ आ जाए कि हमने किसी बंदे को पहले क्या चीज़ बतानी है, क्योंकि याद रखिए ये काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये काम बड़ा पायदार है, ये काम बड़ा लॉन्ग टर्म है। अगर आप इस बेसिक मॉडल को सिर्फ अंडरस्टैंड कर पाएंगे और इसको प्रॉपर तरीके से लेके चल रहे होंगे तो मैं ये पूरी गारंटी और पूरे दावे से कह सकता हूं कि आप इसके अंदर एक बड़ी सक्सेस बना सकेंगे। बेसिक मॉडल के अंदर वो पॉइंट भी हैं लेकिन वो ही नहीं है, हमने ये चीज थोड़ा सा अंडरस्टैंड करनी है कि ज्वाइन द बिजनेस से पहले उस बंदे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। उसके पास सिर्फ डाटा नहीं होना चाहिए बल्कि उसके पास फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर वो डिसीजन करे, जिसकी बेस पे उसके लिए डिसीजन करना आसान हो, और फिर जो आप करेंगे यही वो भी आगे कर रहा होगा। इससे आपका बिजनेस मॉडल आसान हो जाएगा, इससे जो आपके साथ जुड़ने वाले लोग हैं वो तेजी से जुड़ते चले जाएंगे, वो जल्दी जल्दी आपके साथ आते चले जाएंगे। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी, जिन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग सर्विस खरीदी थी उनको ऑलरेडी रिवार्ड आ चुका है, और वो रिवार्ड आप लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफर हो रहा है, और अगले कुछ फ्यू डेज के अंदर वो सारे का सारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ से आपका ये सारे का सारा कंपनी, सारे का सारा पहला रिवार्ड था, बहुत सारे लोगों के वॉलेट अटैच नहीं थे, बहुत सारे लोगों का मसला था, तो इसलिए कंपनी ने उसको मैनुअली शो कर दिया था आपके बैक ऑफिस में, लेकिन नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर वो सारे का सारा जो रिवार्ड है जिन दोस्तों को आ चुका है वो उनके वॉलेट के अंदर चला जाएगा, और नेक्स्ट मंथ से ये ऑटोमेटिकली आपके जो वॉलेट है, जो वॉलेट भी आपने अटैच किया होगा उसके अंदर ये मूव हो जाया करेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने वॉलेट्स बनाइए, जिन लोगों ने भी डीएमएस सर्विस खरीदी है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उसको अंडरस्टैंड करें, अपने वॉलेट उसके साथ अटैच करें, उसकी केवाईसी करें, और बिजनेस को प्रॉपर अंडरस्टैंड करके करें, दूसरों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दें, हवा में या सिर्फ और सिर्फ हाइप में या सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी में बिजनेस ना करें, सेल्स करें बट रिस्पॉन्सिबल सेल्स करें, लोगों को ट्रुथ बताकर बताएं, लोगों को सच्चाई बताएं, ये इन्वेस्टमेंट मॉडल नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। और अगर आप, मैं समझता हूं कि इस बात को थोड़ा सा आप प्रॉपर लेके आगे चलेंगे तो आप यहां पर एक बहुत बड़ी सक्सेस बना पाएंगे, बहुत बड़ी अचीवमेंट ले पाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ में कुछ दोस्तों को चाहूंगा कन्म्यूट करूं और उनसे आज की ट्रेनिंग के ऊपर फीडबैक लूं कि आज उन्होंने क्या सीखा और वो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने दोस्तों को।